दोस्तों, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में नहीं वर्ड आता है, लेकिन इसके लिए नॉट का प्रयोग होता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही कन्फ्यूजन बताने वाले हैं, नहीं वर्ड आएगा फिर भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए इसका अनुवाद जो होगा, पहला नंबर जो हमने लिया हुआ है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इसका हो जाएगा आई नो नथिंग। यानी मैं का अंग्रेजी आई जानता हूँ, तो इसका अंग्रेजी नो और कुछ नहीं है, पूरा वर्ड जो है कुछ नहीं, इसका अंग्रेजी आप लिख लेंगे नथिंग। ठीक उसी तरीके से जो आपका अगला एग्जाम्पल है, रोहन कुछ नहीं करता है, इसका हो जाएगा रोहन का रोहन, अब करता है तो डू हो जाएगा, करने का अंग्रेजी डू होता है क्योंकि रोहन एक वचन है, इसका पी एस लगा देंगे, और ये कुछ नहीं है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा नथिंग। ठीक उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लिया है हमने, उसे कोई नहीं पढ़ाता है, इसमें सब्जेक्ट है कोई नहीं। देखिए आप कैसे पकड़ेंगे कि यही सब्जेक्ट है बेचारा, देखिए वो वर्ब है पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, ये जो उसे वर्ड है ये नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो वर्ड है कोई नहीं यही पढ़ाता है, उसका आप अनुवाद कर देंगे नो वन, कोई नहीं का अनुवाद हो जाएगा नो वन, अब पढ़ाता है इसका हो जाएगा टीच, इसको एक वचन माना जाता है हमेशा, इसलिए आप ई एस लगा देंगे, और उसे है इसका अनुवाद हो जाएगा हिंग, इस तरीके से आपका अनुवाद हो जाएगा।